चलिए आज हम देखते हैं स्पेलिंग, ग्रामर, रिसर्च, हिदर, थीसर्स, ट्रांसलेशन आदि का एमएस वर्ड के अंतर्गत कैसे प्रयोग करें। सबसे पहले देखते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर। एमएस वर्ड का बहुत ही अच्छा फीचर्स है जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है, वो होती है कहीं ना कहीं स्पेलिंग्स की। यदि स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो हम उस पर उसमें किस प्रकार से संशोधन कर सकें। साथ ही साथ एमएस वर्ड स्पेलिंग के साथ साथ ग्रामेटिकल को भी डिटेक्ट करता है। उदाहरण के तौर पर हम कंप्यूटर का ही स्पेलिंग ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर कर दिया, तो इसको स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है। रेड लाइन आ रही, रेड लाइन का मीन हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो रेड लाइन को हटाने के लिए यानी स्पेलिंग सही करने के लिए क्या करें, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करिए। इसका शॉर्टकट होता है F7। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे कंप्यूटर की सही स्पेलिंग बता रहा है। इसे हम चेंज करेंगे, चेंज करते ही आप देखेंगे कि स्पेलिंग सही हो चुका है। लेकिन जब हम किसी प्लेस को यहाँ पर इनपुट करते हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर उज्जैन टाइप किया, शायद ये इसके इसमें ऐड है, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ शाजापुर, उसको भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, शायद इसको भी हमने ऐड कर चुके हैं, हम भोपाल को भी ऐड कर चुके हैं, ये मैंने तलिन लिखा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये स्पेलिंग सही है, एक प्लेस है ये और इसको हमने सही टाइप किया, लेकिन फिर भी रेड लाइन बता रहा है क्योंकि ये शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो ऐसे कोई शब्द हुआ, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हुआ, उदाहरण के तौर पर हमने लिखा जय सिंह, ठीक है, तो जय सिंह सही स्पेलिंग होने के बावजूद भी ये इसको स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है क्योंकि इसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो यहाँ पर स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एड टू डिक्शनरी, तो हम इस ऑप्शन के माध्यम से इसे ऐड टू डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं ताकि दोबारा हम जब भी यूज़ करें तो उसकी सही स्पेलिंग ये बता दे डिटेक्ट करके। या फिर हम इसको जो है कि इग्नोर करवा सकते हैं कि ये सही है, दोबारा हमें यूज़ नहीं करना है और हम क्यों मेमोरी में स्पेस लें और हम इसे ऐड नहीं कराना चाहते हैं, तो इसको रेड लाइन को हटाने के लिए इग्नोर ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। इग्नोर से एक जगह का हटेगा, ऑल से सभी का जो रेड लाइन है वो हट जाएगा। खास तौर पर रेड लाइन हमें वहाँ पर समस्याएं क्रिएट करती जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना करके कहीं पर सेंड करने वाले हैं और वहाँ पर स्पेलिंग डिटेक्ट करके वो रेड लाइन शो करता है, क्योंकि जब हार्ड कॉपी निकालते हैं तब रेड लाइन नहीं आएगी लेकिन सॉफ्ट कॉपी में रेड लाइन शो होगी। तो आप चाहते हैं कि रेड लाइन नहीं आए तो उसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं। और भी सेटिंग्स इसकी होती हैं, ऑप्शन में जाकर के यदि आप डिटेक्शन नहीं चाहते हैं तो ये इग्नोर ऑफ चेक जो चेक लगे हैं इनको अनचेक कर दीजिए, तो ये जो है कि स्पेलिंग को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम स्पेलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है ग्रामेटिकल, यदि हम चाहें कि ग्रामेटिकल गलतियाँ हैं कुछ, उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, एंटर करते हैं, अब देखेंगे कि अब रेड लाइन नहीं आ रही है, अब ग्रीन लाइन आ रही है। तो ग्रीन लाइन का मीन होता है स्पेलिंग की अपेक्षा ये है ग्रामेटिकल डिटेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर हमारे द्वारा ग्रामर में मिस्टेक हुई है। तो ग्रामर को संशोधित कैसे करें, तो उसके लिए भी वही इस पर F7 होता है या फिर इसी पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको बता देगा कि क्योंकि कंप्यूटर के आगे लिखा है वर्ड और ये एक क्वेश्चन बनता है तो उसके साथ में क्वेश्चन मार्क्स हमें लगाना होता है, इसलिए ग्रीन लाइन है। तो ग्रीन लाइन है डिटेक्ट करता है ग्रामेटिकल को और रेड लाइन डिटेक्ट करता है स्पेलिंग को। तो इस प्रकार से आप एमएस वर्ड के अंतर्गत ग्रामेटिकल और स्पेलिंग दोनों को ही देख सकते हैं। चलिए अगला आता है रिसर्च। रिसर्च के माध्यम से हम एमएस वर्ड के अंतर्गत किसी भी शब्द का पर्यायवाची देख सकते हैं, साथ ही साथ जिसे हम थीसर्स के रूप में जानते हैं। और यह रिसर्च में दो तीन चीज़ें आती हैं, हम अलग अलग भी इनको यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली भी यूज़ कर पाते हैं। जैसे रिसर्च के अंतर्गत ट्रांसलेट करना है, हमें अन्य लैंग्वेज में उसको चेंज करना है, तो ये ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी है ना,
तो हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट है तो बता रहा है कंप्यूटर, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं उसका हिंदी, और यदि हिंदी की अपेक्षा हमें चाहिए इटालियन तो हम इटैलिक में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इटैलिक में कंप्यूटर ही कहा जाता है उसको, ऑनलाइन इसकी डिक्शनरी अन्य नहीं है, और भी बहुत सारा है, लेकिन कुछ को अपडेट करना पड़ेगा कुछ डिक्शनरी को, जैसे ये शब्द इसको कंप्यूटर को इस लैंग्वेज में क्या कहा गया है, पेरिसियन लैंग्वेज में इसको इंसर्ट कर देंगे, ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अन्य लैंग्वेज में कई बार हमें यह होता है कि कोई डेटा डॉक्यूमेंट हमें असाइन करके कहीं पहुँचाना रहता है लेकिन वो लैंग्वेज हमें नहीं आती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको ट्रांसलेट कर करके उसे इंसर्ट करिए और वहाँ पर सेंड कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेटा को जो है कि इंसर्ट कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में। तो कहने का आशय कि बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसके माध्यम से आप अपनी बड़ी समस्याओं को छोटे उसमें सॉर्ट आउट करके ख़त्म कर सकते हैं। रिसर्च के अंतर थीजर्स के अंतर थीजर्स में पर्यायवाची पार्टी को ले, तो थीजर्स को यहाँ रिसर्च के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं और थीजर्स को क्लिक करके भी। तो किसी भी शब्द का जैसे कंप्यूटर का पर्यायवाची तो प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, ये कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से किसी भी शब्द का जैसे हम देखते हैं रैम, रैम का पर्यायवाची क्या, तो एंटर करेंगे टाइप करके तो ये रैम का जो है कि पर्यायवाची सारे उसके नाम जो भी हैं जिस जिस नाम से भी इसको बोला जाता है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द का पर्यायवाची आप देख पाएंगे। और ट्रांसलेट में ये अभी हमने रिसर्च के अंतर्गत ट्रांसलेट देख लिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ ट्रांसलेशन में यहाँ पे स्क्रीन ट्रिप्स भी है इंग्लिश वगैरह, जिसमें भी आप स्क्रीन ट्रिप्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप चले जा सकते हैं, तो इसकी हमें कहीं ना कहीं बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला आता है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम अपने सिस्टम के अंतर्गत जो लैंग्वेज, खासतौर पे जब हम वर्ड पे काम कर रहे होते हैं और उस समय जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो कई बार ये स्थिति बनती है कि हमने सही टाइप किया फिर भी वो गलत बताता है, तो उसका कहीं ना कहीं लैंग्वेज रहता है। उदाहरण के तौर पर हम स्पेलिंग लेते हैं कलर्स, हम ब्रिटिश के आधार पर कलर की स्पेलिंग लिखते हैं COLOUR। अब ये यहाँ पर रॉन्ग नहीं बता रहा, यानी ये स्पेलिंग डिटेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड में हम लिखते हैं कलर, इसको जो है कि गलत स्पेलिंग बता रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण इसकी लैंग्वेजेस रहती है। अभी तो यहाँ पे हमने इंडिया लैंग्वेज सेट कर रखा है, इंग्लिश इंडिया, या जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं, हम क्योंकि इंडियन ब्रिटिश का ही यूज़ करते हैं। चलिए हम सेट लैंग्वेज में जाते हैं, यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलर और कलर की स्पेलिंग, यहाँ पर हम इंग्लिश यूनाइटेड यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं ओके करता हूँ। डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं किया है, मैं डिफ़ॉल्ट करके ओके करता हूँ। ओके अब देखेंगे कि अब मैंने जब टाइप किया तो कलर की स्पेलिंग गलत नहीं बता रहा है, वहीं पे हम टाइप करते हैं COLOUR, अब इसको गलत बता रहा है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो डेटा टाइप हुआ है ये यूएस के आधार पर, और यूएस के अंतर्गत जब हम अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें तो COLOUR लिखते हैं जबकि ब्रिटिश में COLOUR लिखते हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत, और बहुत मैंडेटरी ऑप्शन होता है कि जब आप डेटा टाइप कर रहे हैं तब पर्टिकुलरली उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करें जिसमें आप या जिसका आप यूज़ कर रहे होते हैं। यदि आप लेटर टाइप करेंगे, लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ब्रिटिश और टाइपिंग के समय लैंग्वेज आपके सिस्टम की है यूएस, तो वो जो है कि आपका स्पेलिंग एरर आना है, पक्की बात है। चलिए अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट। जब हम डॉक्यूमेंट में टाइप कर लेते हैं डेटा, ये एक मेजर प्रॉब्लम्स भी आती हैं यूज़र्स के साथ कि जब वो बड़ा डेटा टाइप कर लेता है, ये जैसे हमने कोई लिस्ट डिज़ाइन की वर्ड के अंतर्गत, अब लिस्ट के अंतर्गत बहुत सारे नाम हैं, आइटम्स हैं, अब हमें ये नहीं पता हो पा रहा है कि कितने डेटा या कितने नाम हमारे डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वहाँ पर वर्ड काउंट, वर्ड काउंट में जाएं, ये खुद बता देगा कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, तो पर्टिकुलर वर्ड के आधार पर बता देगा, कैरेक्टर कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितने हैं, ये पूरा काउंट करके बता देगा। बहुत अच्छा फीचर्स हैं वर्ड काउंट। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपरिंग को देखा जिसके अंतर्गत हमने स्पेलिंग ग्रामर देखा, रिसर्च देखा, थीजर्स देखा, ट्रांसलेट देखा,
साथियों यदि ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको अपने पोर्टल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।